हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी किस तरह से गंदे से गंदे मिक्सी को क्लीन कर सकते हो वो भी घरेलू जुगाड़ से वो भी मिनटों में देख सकते हैं हमारा मिक्सी इतना गंदा हो चुका है और जो व्हाइट कलर का मिक्सी होता है ना बहुत जल्दी गंदा होता है और ब्लैक कलर का जो होता है तो वो कलरफुल होता है तो इस वजह से वो गंदा नहीं दिखता है लेकिन व्हाइट कलर वाले मिक्सी में ना बहुत जल्दी गंदा दिखता है तो आज मैं इस मिक्सी को क्लीन करूंगी वो भी मिनटों में वो भी घरेलू जुगाड़ से तो कैसे क्लीन करूंगी उसके लिए वीडियो बने रहिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए इसके लिए सबसे पहले तैयार करेंगे सोल्यूशन सोल्यूशन के लिए हमने एक कटोरी लिया है हमने प्लास्टिक का कटोरी लिया है और इसमें हम डालेंगे ये व्हाइट वाला जो कोलगेट होता है ना वो डालेंगे थोड़ा सा देखिए इतना सा हमने कोलगेट डाला है इसमें थोड़ा सा डालेंगे इसमें वेनेगर देखिए दो चम्मच के करीब विनेगर डाला है और इसमें डालेंगे मीठा सोडा आधा आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है अब सोडा डालते ही रिएक्शन कर रहा है अब इसको मिक्स कर लेंगे ये क्वांटिटी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं क्योंकि जितना आपके मिक्सी में लगेगा उसके हिसाब से अगर गंदगी ज़्यादा है तो ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा और मिक्स कर लीजिए जरूरी नहीं कि इतना ही क्वान्टिटी में आप बनाएँ तो देखिए हमारा सलूसन बनकर तैयार हो चुका है और देख सकते हैं मिक्सी की हालत कैसा हो रखा है पूरा गंदगी हो रखा है चाहे ये अंदर हो चाहे बाहर से भी गंदगी देख सकते हैं ये वायर देखिए कितना गंदा हो रखा है तो चलिए सबसे पहले इसको अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे कोई भी ख़राब ब्रश है आपके घर पे, वो ले लीजिए उसके बाद इस तरह से डीप करिए और हमें सबसे पहले अंदर अप्लाई करती हूँ अभी साफ़ नहीं करना सिर्फ अप्लाई करके हमें छोड़ना है तो इस तरह से तो देखिए मैंने अंदर अप्लाई कर दिया है अब इसको फूलने देते हैं दो चार मिनट तब तो तक बाहर अप्लाई कर लेते हैं देखिए इस तरह से ही बाहर भी अप्लाई करना है पूरे बॉडी पे हर तरफ देखिए इसको घुमा घुमा के आप अच्छे से इस पर अप्लाई कर लीजिए व्हाइट कलर वाला मिक्सी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है आप साफ करते रहो तो भी मतलब इतनी जल्दी अगर रेगुलर यूज़ करते हैं आप तो बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है इसको हफ्ते में तो साफ करना ही पड़ता है देखिए पूरे बॉडी में हमने अप्लाई कर दिया है अब वायर जो है ना वायर में भी हम अप्लाई कर देंगे जब तक हम वायर का इसमें सोल्यूशन लगा रहे हैं तब तक ऊपर बॉडी में फूल जाएगा तब तक इसको साफ़ करेंगे देखिए इस तरह से अच्छे से आप वायर में भी लगा दीजिए इसमें डिप करिए और इस तरह से लगाते जाइए तो ये भी गंदगी जो है ना वो सब भी फूल जाएगा देखिए हर जगह अप्लाई कर दिया है पूरा बॉडी तार सब अप्लाई कर दिया है अब सबसे पहले हमने यहाँ पे अप्लाई किया था तो इसमें हमने ना ब्रश से इसको इस तरह से लेके ये फूल चुका होगा अच्छे से तब इसको ब्रश से लेके इस तरह से साफ करना है देखिए इस तरह से देखिए अच्छे से ये साफ भी हो रहा है देख सकते हैं देखिए गंदगी निकल रहा है अब देखिए कोई भी गीला कपड़ा ले लीजिए और गीला सूती लीजिएगा ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी कपड़ा ले लीजिएगा सूती कपड़ा से ना अच्छे से साफ होता है पानी भी अच्छे से सोख लेता है तो देखिए इस तरह से पोचते रहिएगा तो देखिए पहले कितना गंदा था अब साफ भी हो रहा है तो ये धीरे धीरे साफ होगा देखिए ब्रश से मैं ऐसे ही इसको कर रही हूँ अंदर घिस दिया है देख सकते हैं कितना साफ हो चुका है अंदर और ये जो येलो है ना ये तो नहीं छूटेगा आसपास में जितना भी गंदगी था वो साफ हो गया है और बॉडी पे पूरा घिस दिया है मैंने देख सकते हैं इसी तरह से और घिसने के बाद ना कोई भी कपड़ा लीजिए उसको अच्छे से निचोड़ दीजिए और निचोड़ने के बाद पानी से उसके बाद इसको ड्राई वॉश करिए इस तरह से ड्राई अच्छे से पोछते जाइए तो देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है पहले कितना गंदा था पूरा येलो येलो हो गया था लग ही नहीं रहा था कि ये छूटेगा ऐसे लोग साफ करेंगे तो छूटेगा ही नहीं लेकिन ये जो सोल्यूशन मैंने बनाया है ना इससे बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है तो इसी तरह से आप लोग भी अपने घर पे जो भी मिक्सी जितना भी गंदा हो इस तरह से आप साफ करते हैं ना तो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा देखिए वायर भी देखिए पहले इतना पीला हो गया था पूरा तो पीलापन नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ये पीला हो चुका है तो जितना साफ हो चुका है पहले देख सकते हैं ये सब पूरा गंदगी से भरा पड़ा था अब देखिए इतना साफ हो गया है तो इसको ऐसा नहीं है कि पानी में डिप करके साफ करना है इसी तरह से कपड़े से ही पोछना है वैसे ही बॉडी को साफ़ करना है पानी से कहीं भी पानी डाल के साफ़ नहीं करना है इसको अगर कपड़ा गंदा हो जाता है तो इसको पानी से वॉश कर लीजिए फिर से और वॉश करके अच्छे से निचोड़ दीजिए इस तरह से और निचोड़ के फिर इसको पोछ दीजिए इस तरह से साफ करेंगे तो बहुत आसानी से मिक्सी आपका साफ़ हो जाएगा देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितना साफ हो चुका है चाहे वो बाहर से बात करें वो बॉडी का है फुल बॉडी का वो भी साफ हो चुका है चाहे अंदर से देख सकते हैं ये भी बिल्कुल साफ हो चुका है चाहे इसका वायर का बात करें ये भी बिल्कुल साफ हो चुका है तो इस घरेलू जुगाड़ से आप लोग भी अपने घर पे गंदे से गंदे मिक्सी को साफ कर सकते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय